एक और नया दिन और एक और नई कार। स्वागत है आप सबका कार किटी की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम उस कार को कवर करने जा रहे हैं जो बिल्कुल टाइगर नोज स्ट्राइकिंग लुक के साथ आती है, जिसका नाम है किया सोनेट। जैसे ही ये मार्केट में आई थी, इसने तहलका मचा दिया था। और ये इसका टॉप लाइन वेरियंट है, एक्स लाइन वेरियंट इसका नाम है। आज इसी को कवर करेंगे। और आज हम इसीलिए पहुंचे हैं किया दादा शोरूम, जो लुधियाना में पड़ता है। अगर आपने कोई भी कार खरीदनी हो तो इनके पास विजिट कर सकते हैं फॉर एक्साइटिंग ऑफर्स। इनकी लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कार्स की अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार की एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर की बात हम फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में आपको फुल LED सेटअप मिलता है, प्रोजेक्टर लाइट्स, और यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है, जो बहुत स्ट्राइकिंग लुकिंग है, बहुत पावरफुल लुकिंग व्हीकल लगती है ये। और नीचे आपको फॉग लाइट मिलती है विद क्रोम एक्सेंट, और यहाँ पे पियानो फिनिश भी दी गई है। थोड़ी सी अभी डर्टी है, क्योंकि अभी जस्ट टेस्ट ड्राइव पे होके आई है, तो थोड़ी सी मिट्टी पड़ गई है इसके ऊपर, क्योंकि मैट फिनिश है तो ऑब्वियसली ज़्यादातर दिखती है। और यहाँ पे आपको पूरी पियानो फिनिश में ग्रिल मिलती है। उसके नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, आगे पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए सेंसर्स मिलते हैं। और साइड की लुक के बारे में अगर हम बात करें, साइड में आपको अपोलो के टायर्स मिलते हैं, 215/60 R16 इंच का इसका अलॉय व्हील है डायमंड कट शेप के साथ। और आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। ऑटो फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं, रूफ रेल्स, और विंडो साइज का एरिया बहुत बड़ा है, जो अंदर जब बैठेंगे हम तो बहुत रूमी सा फील होगा। और ये इसका डीजल वेरिएंट है, यहाँ पे आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। और यहाँ पे पियानो फिनिश दी गई है, जिससे लुक बहुत इनहेंस होती है इसकी। रूफ रेल्स मिलती हैं, शार्क फिन एंटीना, हाई स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर, और कनेक्टेड आपको टेल लाइट मिलती है LED, और उसी के अंदर ही इंटीग्रेटेड आपको बैक कैमरा मिलता है। किया की बैजिंग, सोनेट की बैजिंग, दादा मोटर्स एंड एक्स लाइन जो इसका वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट, उसकी बैजिंग है। और उसके साथ ही जो पार्किंग कैमरा मैंने बताया था, उसके सेंसर्स यहाँ पे मिलते हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। नीचे आपको पियानो फिनिश में बम्पर मिलता है, और उसी के साथ ही नीचे आपको इंटीग्रेटेड डिफ्यूजर मिलता है, जो इसकी लुक को बहुत इनहेंस करता है, बहुत स्पोर्टी लुक दिखाता है इसकी। तो अब इसका बूट खोल के दिखाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल बूट। और यहाँ पे आपको मिलता है 392 लीटर्स का बूट स्पेस। यहाँ पे सबवूफर है, इसके अंदर बॉस का सिस्टम आता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। और इधर की साइड आपको लैंप मिलता है। अगर इसको उठाए तो यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलता है आपको, इसका साइज है 195/65 R15 इंच के। इसके अंदर अलॉय व्हील डले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेयर व्हील 15 इंच का है। और यहाँ पे आपको टूल किट मिलती है। अब इसके इंजन बे की बात करते हैं, फिर इंटीरियर की बात करते हैं। इंजन कंपार्टमेंट हमने खोल दिया, और आप देख ही सकते हैं इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर CRDI 16V डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 113 BHP एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। बाकी इसके अंदर इंसुलेशन बढ़िया है, कैबिन में बिल्कुल नॉइस नहीं आएगी, यहाँ पे फुली कवर्ड किया हुआ है, और इंजन भी ऊपर से फुली कवर्ड है। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर की बात करने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहूंगा। लॉक अनलॉक होल्ड करके रखेंगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी बिना अंदर बैठे, और यहाँ पे बूट का ऑप्शन, इसको भी होल्ड करेंगे तो बूट खुल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर अनलॉक, इसमें आपको ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, और यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट डोर ओपनिंग पे, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, आराम से बहुत बढ़िया पकड़ बनती है। और यहाँ पे रेड स्टिचिंग दी हुई है, देखिए ब्लैक एंड रेड का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन किया ना, जिससे कार बहुत स्पोर्टी सी लुक देती है। और यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, ड्राइवर साइड जो विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन है, और यहाँ पे चाइल्ड लॉक सेफ्टी, लॉक अनलॉक एंड ORVMs के कंट्रोल, बॉस का साउंड सिस्टम जैसे ही मैंने बताया था, यहाँ पे स्पीकर है, और यहाँ पे ट्विटर है। इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट का बटन, ऑटो ऑफ एंड हेडलाइट लेवलर। और यहाँ पर भी आपको कितनी बढ़िया पियानो फिनिश दी है, बाकी इंटीरियर के अंदर बैठ के दिखाऊंगा। और इसकी जो सीटिंग है, सीटिंग बताना चाहूंगा, इसमें आपको 6-way एडजस्टेबल सीट मिलती है। एक तो हो गया हाइट अप डाउन, और इसको आगे पीछे करना, और यहाँ पे इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आइए, तो कार के अंदर हम बैठ चुके हैं, और यहाँ पे नीचे मैं दिखाना चाहूंगा आपको मेटल फिनिश में पैडल्स मिलते हैं, जो इसको बहुत इनहेंस करते हैं। और यहाँ पे सोनेट की बैजिंग,
डी कट स्टेयरिंग व्हील है और इसके ऊपर भी आपको रेड स्टिचिंग मिलती है जो इसकी लुक को बहुत इनहेंस करती है। किया का लोगो, एयरबैग की बैजिंग और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का मोड मिलता है, वॉल्यूम अप डाउन एंड टेलीफोनी के कंट्रोल्स जो इस स्क्रीन के लिए हैं। इधर आपको स्क्रीन मिलती है 10 इंचेस की और इधर की साइड आपको MID के कंट्रोल्स मिलते हैं जो इस स्क्रीन के लिए है और क्रूज कंट्रोल और बाकी सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर हम इस स्क्रीन की बात करें तो इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली मिल जाता है, हैजार्ड बटन, ऑटोमेटिक आपको AC मिलता है, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक की बैजिंग। और जो इसका डैशबोर्ड की लुक है ना, मैं बताना चाहूंगा, देखिए कितना बढ़िया डैशबोर्ड है, वर्टिकल शेप में जो इसके AC वेंट्स दिए हैं जो इसको लुक को बहुत इनहेंस करते हैं और इसकी साइड में पियानो फिनिश दी गई है और इसके ऊपर सिल्वर एक्सेंट जो इसको बहुत बढ़िया लुक देता है। अब इसके स्क्रीन के टचेस दिखाता हूँ कितने स्मूथ है, ये देखिए कितने स्मूथ है। और इसके अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग भी मिलती है, साउंड मोड लैंप यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है और इधर आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं और इधर की साइड आपको लाइट कंट्रोल्स मिलते हैं। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो है, सॉरी, यहाँ पे इधर टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है आपको, इसके अंदर आपको रीच एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ओनली टिल्ट। और अब इसके सेंटर कंसोल की बात करते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिलता है USB का और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का मिलता है और यहाँ पे इस जहाँ पे ये रखा हुआ है इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे हमने की रखी है, ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट एंड मैनुअल हैंडब्रेक, आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ है। और इसको खोलें तो अंदर आपको सफिशिएंट स्टोरेज मिल जाती है। ग्लव बॉक्स दिखाएं तो ग्लव बॉक्स भी सफिशिएंट स्टोरेज के साथ आता है। SOS का फीचर यहाँ पे टो करने का और यहाँ पे किया कनेक्ट, IRVM आपको ऑटो डिमिंग के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलता है, हलोजन लाइट्स मिलती हैं, सनरूफ का बटन और यहाँ पे आपको सनशेड मिलता है। सनरूफ हमने ओपन की हुई है, इसमें पैनारोमिक नहीं आती, सिंपल सनरूफ आती है। इधर की साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है। अब कार को स्टार्ट करके दिखाते हैं, इसका मीटर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका और टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम आता है इसके अंदर, सेफ्टी फीचर, नीचे सीट बेल्ट के ऑप्शन दिखा रहा है, ABS एंड DVD और बाकी सारे जो सेफ्टी फीचर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इधर की साइड आपको RPM मीटर दिखा रहा है और इधर की साइड फ्यूल एंड हीट एंड कूल का सिस्टम। अब इसके बैक कैमरे की लुक दिखाते हैं, रिवर्स पे हमने शिफ्ट कर दिया, क्वालिटी देख सकते हैं बहुत बढ़िया है। और पार्किंग सेंसर्स आपको आगे भी मिलते हैं और पीछे भी मिलते हैं, लेकिन जो कैमरा है वो सिर्फ बैक पे मिलता है आपको। और गाइडलाइंस आप देख ही सकते हैं, बढ़िया है। स्टीयरिंग को रोटेट करके दिखाता हूँ, ये गाइडलाइंस दिखा रहे हैं। जो आपको ड्राइवर साइड विंडो मिलती है वो आपको एंटी पिंच के साथ मिलती है, जैसे ही मैं दबाव डालूंगा शीशे के ऊपर ये नीचे हो जाती है, अपने आप सेंस कर लेती है कि बीच में कुछ कोई चीज आ रही है, तो ये बहुत बढ़िया फीचर लगा। बैक डोर पे हम आ गए हैं और यहाँ पे आपको मिलते हैं सनशेड्स, बाकी सनशेड्स नहीं है ये तो हम प्राइवेसी के लिए यूज करते हैं आपको पता है। और यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट मिलता है, रेड स्टिचिंग यहाँ पर भी फॉरवर्ड की गई है ग्रे एक्सेंट के साथ, ग्रैब हैंडल, विंडो अप डाउन का कंट्रोल, बॉस की बैजिंग इधर भी है और यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। तो बैक सीट पे हम बैठ चुके हैं, लेग रूम की बात करें तो सफिशियंट है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ अपनी लेग्स, और हाइट रूम भी सफिशियंट है। और जो सेंटर की जो फिनिश है वो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि 3 पीपल्स अगर हम पीछे बैठे तो कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थोड़ी सी ना विड्थ कम लगी मुझे अंदर बैठते, और यहाँ पे ना हम्प है जो हमें अनकंफर्टेबल कर सकता है लॉन्ग राइड्स पे। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्मरेस्ट की कमी लगी मुझे। और यहाँ पे आपको पियानो फिनिश के साथ AC वेंट मिलते हैं, एयर प्यूरीफायर मिलता है, USB एंड स्टोरेज स्पेस, और यहाँ पे आपको हलोजन लाइट मिलती है विद कोट हैंगिंग हुक, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है
और यहाँ पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक इधर की साइड, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का बटन आप देख ही सकते हैं, सेफ्टी फीचर है ये, और फुली लेदरेटेड आपको सीट्स मिलती हैं। और बाकी जो फीचर्स हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, बाकी बात हम इसके बाहर जाके करते हैं। तो यही था हमारा छोटा सा रिव्यू रिगार्डिंग किया सोनेट जो ब्लैक मैट फिनिश में है, जो बहुत बैडेस लग रही है। बाकी आप बताइए आपको कैसे लगी इसकी लुक एंड फिनिश, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। बाकी अगर आप ये कार बाय करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं दादा किया, इनकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। बाकी कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगी ये कार। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कार्स की अपडेट आप मिस ना करें। मिलते हैं एक और नए दिन और एक और नई कार के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।